तो हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी अपडेट गाइस आपको दे देता हूँ। कल की डेट में गाइस मैंने एक वीडियो बनाई थी फैरो इवेंट से रिलेटेड, और गाइस मैंने कहा था कि 3 अगस्त को आ जाएगा। तो गाइस पबजी कोरिया में इवेंट कैलेंडर के हिसाब से 3 अगस्त को आ जाना चाहिए था, बट जो ग्लोबल कैलेंडर है और साथ ही साथ जो हमारा BGMI है उसमें गाइस 5 अगस्त का डेट दिया हुआ है। तो आप वेट करके देख लो, मे बी 5 अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है। एंड गाइज, ये छोटी छोटी अपडेट गाइज मैं बहुत पहले टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, तो जिन लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन करके नहीं रखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जा करके उस पर टैप करो एंड जा करके ज्वाइन कर लो। चाहे BGMI के बैन से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ हो, या फिर कुछ भी इवेंट से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ हो, या किसी भी चीज़ से कुछ भी रिलेटेड न्यू चीज़ आती है, तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करता हूँ। तो जा करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वीडियो क्लिप पे ले चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इवेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। कुछ बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारा तो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं बट उसमें इवेंट ही नहीं आ रहे। तो गाइस आपको सबसे पहले सिंपल सा लॉग आउट कर लेना है एंड आपको अपना साउथ कोरिया का गाइस सर्वर कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो, मैंने साउथ कोरिया का सर्वर कनेक्ट करके रखा है एंड मुझे प्ले गेम्स से लॉग इन करना है। तो मैं सिंपल से अपना प्ले गेम्स ओपन करूंगा और ऐसी ईमेल आईडी चूज करूंगा जिससे आज से कभी पहले मैंने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करके रखा हो, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे गाइस एक न्यू अकाउंट मैंने चूज कर लिया है एंड अभी करेंट टाइम में साउथ कोरिया का सर्वर लगा है, बिकॉज मुझे साउथ कोरिया के इवेंट्स चाहिए थे अपने न्यू अकाउंट में जो मैं बना रहा हूँ। तो अगर मैं VPN लगा करके अकाउंट को लॉग इन करता हूँ, जिस सर्वर के थ्रू लॉग इन करूँगा, साउथ कोरिया के सर्वर के थ्रू लॉग इन करूँगा तो कोरियन इवेंट्स आएंगे। अगर मैं जापान सर्वर को कनेक्ट करके अकाउंट को लॉग इन करूँगा, न्यू अकाउंट क्रिएट करूँगा, तो गैस वहाँ पर मुझे जापान सर्वर के इवेंट देखने को मिल जाएंगे। मैं इसलिए सेपरेटली वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज कुछ बंदे जो है मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई मैंने अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ बट इवेंट ही नहीं आ रहे। तो भाई इस तरीके से आप इवेंट को ला सकते हो, बहुत ही ईजी है भाई, कुछ इसमें करना है नहीं। एंड साथ ही साथ भाई एक और बात कि अब कुछ बंदे भाई मुझे पता है इस वीडियो में भी पूछेंगे कि भाई हमारे अकाउंट में तो इवेंट दिख ही नहीं रहे न्यू पुराने अकाउंट में। तो भाई उसमें नहीं दिखेंगे यार, कितनी बार बताऊं भाई, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि ब्रो अगर आपके अकाउंट में इवेंट नहीं है तो अब वो नहीं आ सकता। आप न्यू अकाउंट बना लो, या फिर न्यू अकाउंट नहीं बना सकते तो कोई छोटा मोटा अकाउंट आप उठा लो, 500 1000 रुपये तक का कोई भी अकाउंट उठा लो। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड अकाउंट रिलेटेड भी जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे मेरा यूज़र नेम मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो गाइस चलो यार, मैं ये कोरिया का अकाउंट गाइस क्रिएट हो ही गया है, तो इसको मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ पे, सिंपल सा क्रिएट कर लेता हूँ अकाउंट को एंड मैं आपको गाइस यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सच में इवेंट आए हैं या फिर नहीं आए हैं। अभी फिलहाल गाइस कोरिया में कुछ ही इवेंट्स हैं तो चेकआउट कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कहाँ भाई इवेंट वाला सेक्शन। हाँ तो गाइस देख लें, अगर जहाँ पे आप इवेंट्स वगैरह आ चुके हैं, यही कुछ ही इवेंट्स बच रखे हैं अभी फिलहाल पबजी के कोरियन सर्वर में, बट फिर से न्यू इवेंट्स आएंगे। और गाइस इसमें अभी फिलहाल जितने भी इवेंट आपको दिख रहे हैं मैंने सबके सब एक्सप्लेन करके रखे हैं, तो आपको इनमें से किसी एक को भी जानना होगा तो आप जाओ गाइस टेलीग्राम नहीं, अपना चैनल को चेकआउट कर लो, मतलब हमारे चैनल को चेकआउट कर लो, आपको गाइस वहाँ पे हर पे एक सेपरेट वीडियो दिख जाएगी, ओके। एंड गाइस जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज गाइस ऐसे ही अपडेट आती रहती है, आप देखते हो भाई सब्सक्राइब नहीं करते। चलो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो स्टार्ट हो ही चुकी है एंड अब बात कर लेते हैं किस टॉपिक से रिलेटेड, तो कि अब जापान का इवेंट कैसे ला सकते हैं। भाई ये तो था कोरिया का ना, ये कोरिया में सर्वर कनेक्ट करो एंड कोरियन इवेंट्स ले आओ। तो गाइस सेम प्रोसेस है जापान वाले में भी, आपको बस सिंपल सा जापान का सर्वर गाइस कनेक्ट करके रखना। आप देख सकते हो गाइस जापान का सर्वर कनेक्टेड है एंड उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा लॉग इन करना है, न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। तो जापान का सर्वर कनेक्ट रहने दो और अपने कोई भी Gmail ID चूज कर लो जो जिसके थ्रू आपने वो नहीं करा हो, मतलब कभी अकाउंट क्रिएट नहीं कराया तो वो अकाउंट को चूज करो एंड सिंपल सा जा करके आप अपना लॉग इन करोगे तो आपको उसी अकाउंट से इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे एकदम न्यू न्यू वाले, ओके। एंड गाइज जिनको भी UC बाई करनी होगी इन पबजी कोरिया वर्जन में, तो गाइज मैं पबजी के यार वर्जन में UC सेल करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख जाएगा, जा करके मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो कि भाई मुझे UC बाई करनी है इन पबजी कोरिया वर्जन। तो गाइज मुझे वहाँ मैं आपको वहाँ पे प्रोसेस बता दूंगा कि आप कैसे मेरे थ्रू UC बाई कर सकते हो इन पबजी कोरियन वर्जन में, ओके गाइज। अब गाइज यहाँ पे सेम प्रोसेस है जापान का भी कोरिया का भी, दोनों तरीके से आप दोनों इवेंट्स को ला सकते हो, बट ये न्यू आईडी में वॉकिंग है, आपके ओल्ड आईडी में अगर इवेंट नहीं है तो कुछ भी करके नहीं ला सकते। फ्यूचर की गारंटी नहीं कि फ्यूचर में कोई तरीका निकलता अगर इवेंट को लाने का तो मैं बता दूंगा, तो उसके लिए आप गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और भाई कुछ खास नहीं है, बस इतनी ही सारी चीज़ें थी इवेंट्स रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिया एंड फैरो का इवेंट जो डिले हो गया था
वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। एंड गाइज, मैंने रिसेंटली एक गेम प्ले का भी चैनल ओपन करा है, तो जिन लोगों ने गेम प्ले वाले चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, जा करके गेम प्ले वाले चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम का भी मेरा लिंक है गाइज, तो जिन लोगों ने फॉलो भी नहीं करा है, जा करके वहाँ पर मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं छोटी बहुत अपडेट्स डालता हूँ या फिर शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी भाई अब देख ही लो भाई, पूरी की पूरी वीडियो ख़त्म हो ही चुकी है। एंड मैं यहाँ पर गाइस आपको जापान के इवेंट दिखा देता हूँ, पहले तो गाइस इसका कुछ भी यूज़र नेम डाल देते हैं जल्दी से, एंड फिर मैं आपको ले चलता हूँ सीधा इवेंट वाले सेक्शन में, एंड वहाँ पर गाइस देख लेंगे इवेंट आया है या फिर नहीं आया है। अगर आ गया होगा तो गाइस वीडियो को एंड कर देंगे। एंड और गाइस, अगर आपको किसी भी सेपरेट टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए पबजी कोरिया से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा पबजी कोरिया से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से, तो आप कमेंट करना गाइस, जिस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं है। आप बस कमेंट करना कि हाँ भाई मुझे इस टॉपिक पे जानना है। तो गाइस आप देख सकते हो जापान के इवेंट्स आ चुके हैं जापान सर्वर लगाने के कारण, इस तरह गाइस आप न्यू आईडी क्रिएट कर सकते हो, गाइस आप भर के खेल सकते हो, जैसे भी आपको गाइस खेलना है आप आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो गाइस चलो यार, यही थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि गाइस मैं इन फ्यूचर कोई भी वीडियो डालूं तो आपको गाइस नोटिफिकेशन चली जाए, ठीक है। तो चलो गाइस आपसे मिलता हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल।